लाइफ मैजिक का खेल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में एक बार फिर से। तो फाइनली दोस्तों, अभिषेक बच्चन स्टार फिल्म घूमर मूवी, जो कि आप लोगों को बता दें कि 18 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को बताए चले कि आज इस फिल्म का दूसरा दिन है बॉक्स ऑफिस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घूमर मूवी के, जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि घूमर मूवी ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपये कारोबार किया, और साथ ही साथ अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी को ऑडियंस कितना अच्छे खासे रिव्यू दे रही है और कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहें, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं, दिखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोगों को बताइए चले कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी को ऑडियंस की तरफ से जोरदार और धमाकेदार तरीके से सपोर्ट तो मिल ही रहा है। आप लोगों को बता दें कि घूमर मूवी, जो कि एक कम बजट की फिल्म है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म में जोरदार और शानदार तरीके से दम है। इस फिल्म में आप लोगों को अभिषेक बच्चन बहुत ही डिफरेंट एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि वह एक कोच की भूमिका में नजर आएंगे आप लोगों को घूमर मूवी में। घूमर मूवी जो कि एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, यानी कि यह फिल्म क्रिकेट के ऊपर आधारित फिल्म है। इस फिल्म को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। यानी कि एक हैंडीकैप लड़की, जो कि इसका एक हाथ नहीं है, वो जो कि क्रिकेट खेलती है एक हाथ से। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह कहानी कुछ जोरदार और शानदार तरीके से लिखी गई है। और वहीं दोस्तों, आर बाल की अपनी हर फिल्मों में कुछ न कुछ ऑडियंस को नया दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनकी फिल्मों का बजट ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल और जोरदार और शानदार तरीके से कलेक्शन करती हैं। इस फिल्म में आप लोगों को अभिषेक बच्चन तो देखने को मिलने ही वाले हैं, इस फिल्म में आप लोगों को अमिताभ बच्चन साहब भी देखने को मिलने वाले हैं। बात करें घूमर मूवी के, जो कि बजट के बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि इस फिल्म को 20 करोड़ रुपए के बजट से बनाया गया है। और वहीं दोस्तों, बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इससे पहले आप लोगों को बताए चले कि घूमर मूवी में जिस तरीके से अभिषेक ने एक्टिंग करी है, और साथ ही साथ घूमर मूवी को ऑडियंस जिस तरीके से प्यार कर रही है, ये अभी तक का सबसे जोरदार और शानदार जो कि सीन है। आप लोगों को बताए चले कि अभिषेक बच्चन ने फाइनली कमबैक बहुत ही जोरदार तरीके से किया है बॉलीवुड में। हालांकि अभिषेक बच्चन की पहले कोई भी मूवियां चलती नहीं थी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन अभिषेक बच्चन ने जब से बिग बुल और वहीं दोस्तों दसवीं जैसी मूवी देके, जो कि ऑडियंस के दिलों में घर बना लिया, और वहीं दोस्तों ऑडियंस अभिषेक बच्चन को और भी अच्छा खासा जो कि सपोर्ट करने लगी, और वहीं दोस्तों अभिषेक बच्चन की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करने लगी। आप लोगों को बता दें कि अभिषेक बच्चन की जो कि एक्टिंग, जो कि एक जोरदार और शानदार तरीके से रहती है और ऑडियंस कनेक्ट करती है, और वहीं दोस्तों अभिषेक बच्चन की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करती है। आप लोगों को बता दें कि घूमर मूवी ने अपने पहले ही दिन 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया बॉक्स ऑफिस पर, और सारे हेटर्स की बोलती बंद करी। आप लोगों ने अगर जो कि अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म घूमर मूवी देखी है, तो आप लोगों को घूमर मूवी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हमारा और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट।